खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। को लेकर कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही, वहीं जम्मू कश्मीर में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। आज ही कश्मीर में 24 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही परिवार के 11 लोग कोरोना पॉजिटिव है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में कुल 184 मामले हो चुके हैं, 152 जम्मू से तो वहीं, माफ कीजिएगा, 152 कश्मीर से तो वहीं 32 जम्मू से है। वहीं अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग सही भी हो चुके हैं। लेकिन यह आंकड़ा वाकई में बढ़ता हुआ, क्योंकि कल जिस तरीके से 33 मामले सामने आए और आज 24 मामले सामने आए, यानी कि 2 दिन के अंदर 57 मामले पॉजिटिव जम्मू कश्मीर के अंदर सामने आ चुके हैं। मेरे सहयोगी और जम्मू कश्मीर के ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद, वाकई में कहा जा सकता है कि कश्मीर घाटी के अंदर, खासकर मैं बार बार कह रहा हूं, कश्मीर घाटी के अंदर कोरोना को कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल वैजेंद्र, जिस तरह से हमने कल बात की थी कि किस तरह से जो केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़ती जा रही है और अब ये आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन बड़े खतरनाक तरीके से 184 तक पहुंच गए जो कि पॉजिटिव केस, क्योंकि इसकी एक खास वजह है। हमारे पास जो अंडर ऑब्जर्वेशन है उसमें 43,798 लोग हैं, जो कि आंकड़ा बहुत ही खतरनाक है। और आज जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी ने SSP श्रीनगर के हमरा प्रेस वार्ता में साफ तौर पर कहा कि 800 से 900 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छिपा के रखी है, यानी अब कल से श्रीनगर में बहुत ज्यादा सख्ती होगी। लेकिन इससे पहले डालते हैं नजर आंकड़ों पर। अभी जो आंकड़े हमारे पास हैं, 184 केसों में से 152 कश्मीर से, 32 जम्मू से, कुल मिलाकर 174 एक्टिव केसेस हैं और जिनमें से 6 जो है रिकवर हुए हैं, 4 की मौत पहले ही वाकया हो चुकी है। 8,157 होम क्वारंटीन में, 478 हॉस्पिटल आइसोलेशन में हैं और इसी तरह से 25,975 होम सर्वेलेंस में हैं। 9,010 केसेस ने अपना 28 दिन का पीरियड मुकम्मल करने के बाद वो घर सेहतियाब होके चले गए हैं। इसी के साथ सैंपल्स का जानना बहुत जरूरी है। आज भी कुल तादाद जो सैंपल्स हमारे पास है, 2,649 सैंपल्स में से 2,465 जो है वो मनफी यानी नेगेटिव करार पाए और 184 केस जो है वो पॉजिटिव पाए। अब श्रीनगर को रेड जोन के बाद बफर जोन में भी रखा गया है, यानी इससे सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। और विजेंद्र, जहां तक आज के हम केस की बात करें, हम स्टडी हर एक केस को करते हैं। आज जो नॉर्थ कश्मीर के उसी बांडीपोरा इलाके के गुड जहांगीर से जो एक ही फैमिली के 12 लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, कुछ दिन पहले बीते दिनों में इनके घर में तीसरे शख्स की मौत वाकया हुई थी जो कुल मिलाकर कश्मीर घाटी से तीसरी डेथ थी। और इनके बारे में बताया जाता है कि इस इलाके में अब 12 बांडीपोरा के एक ही फैमिली के हैं, 6 लेडीज इसमें शामिल हैं, जबकि टंगमर्ग गुलमर्ग से 6 केस आ चुके हैं। और इसी बीच में डॉक्टरों और प्रशासन के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हुई और यह हड़ताल अभी भी खत्म हुई और डॉक्टरों ने कहा कि यह वक्त आपस में लड़ने का नहीं है बल्कि आपस में जो है इस वक्त भाईचारे का और आवाम को राहत देने का है। इधर इसी के साथ जम्मू कश्मीर से अहम खबर यह भी है कि आज SSP श्रीनगर और DM श्रीनगर ने मुश्तरका प्रेस वार्ता की और कल से सख्त तरीन हिदायत दी गई है कि कोई भी शख्स सड़क पे नजर नहीं आना चाहे और जो स्पेशल फोर्सेस, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों, सिविल सर्वेंट्स हों, उनके जो पत्रकारों के जो कार्ड वगैरह होंगे वो अपने घर से लेकर अपने ऑफिस तक ही वैलिड पाएंगे, इसके बाहर वो किसी भी रेड जोन में नहीं जा पाएंगे ताकि वहाँ के जो केसेस हैं उनको किसी न किसी तरीके से रोका जा सके। अच्छा सैयद, आपने एक जानकारी दी कि 800 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री छुपाई है। मेरा सवाल यह कि जो 24 पॉजिटिव मरीज सामने आए और उनमें से 12 एक ही परिवार के हैं, क्या इनकी भी ट्रेवल हिस्ट्री ऐसी जो छुपाई गई और अब क्योंकि ये कोरोना पॉजिटिव है वो निकलकर सामने आ रही हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि विजेंद्र ये जो एरिया है नॉर्थ कश्मीर का, यहाँ पहले से ही एक फैमिली में एक शख्स की डेथ हुई थी, उसके बाद उनके आसपास में जो लोग थे जिनके साथ खाया पिया उठे बैठे वक्त गुजारा हो, ये उनकी फैमिली की ही हिस्ट्री है। जो कि 800 से 900 केसेस हमारे पास कुछ दिन पहले, आपको याद होगा कि सरकारी प्रवक्ता रोहित कंसल ने 2000 प्लस लोगों को डिक्लेयर किया था जिन्होंने अपनी ट्रेवल हिस्ट्री को डिस्क्लोज ऑनेस्टली नहीं किया है। दरअसल ये जो हाजन संबल सोनावारी का एरिया है, इसमें कुछ केसेस आए हैं जिनको बाद में
कुछ पॉजिटिव भी डिक्लेयर हुए, बाद में कुछ बेहतरी भी आई, लेकिन एक टेस्ट के बाद ये जो फैमिली मेंबर थे इनका क्वारंटाइन सेंटर लाना लाजमी था, जिसके बाद प्रशासन ने इंतजाम किए और इनके जो सैंपल थे उनको जब आज रिजल्ट आ गए तो सैंपल उनके कहीं ना कहीं जो है पॉजिटिव आए हैं, जिसके चलते जो लोग अभी तक प्रशासन को अपना ट्रेवल हिस्ट्री छुपा के रखे हैं, डल झील से खबर है कि डल झील में कुछ फॉरेन टूरिस्ट कई हाउस बोटों में अभी भी मौजूद हैं। इसी तरह गुलमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग, सोनमर्ग बहुत जगह हैं जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस छापामारी कर सकती है और कहीं ना कहीं इन ट्रेवल हिस्ट्री शीट चार्ज दर्ज करके इनको सख्ती के साथ बिल्कुल से शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। 24 पॉजिटिव केस आज जम्मू कश्मीर में सामने आए हैं और उनमें से 12 ऐसे हैं जो एक ही परिवार से और उनमें 6 महिलाएं हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। डोडा DDC डॉक्टर सागर ने कोरोना वायरस से फैल रहे संक्रमण को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर जिले में सभी जरूरी प्रयास किए जा रहे हैं, इससे निपटने के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं, किसी भी तरह की आवाजाही को अनुमति नहीं दी जा रही। इसके साथ ही जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वो लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें। जो गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस थी सोशल डिस्टेंसिंग की और बाहर नहीं निकलने की, आज तक का हमारा जो ये लॉकडाउन पीरियड टोटल रहा है उसमें आपने सभी ने जो सहयोग एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, पुलिस को दिया है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को दिया है, उन सभी की तरफ से मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आज तक हमारे ज़िले में फ़िलहाल कोई भी कोरोना का या फिर COVID-19 का जो पेशेंट है वो पॉजिटिव नहीं है, इसीलिए किसी भी अफवाह पे आपको विश्वास रखने की ज़रूरत नहीं है। एक भी पेशेंट आज तक पॉजिटिव नहीं पाया गया है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो सप्लाईज़ की ज़रूरत है, चाहे आपको किसी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, चाहे आपको ग्रोसरीज़ की कोई ज़रूरत है, तो आप उसमें जो है आपकी ग्रीवेंसेस जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अपने अपने लोकल स्टाफ कंसर्न BDOs जो हमारे हैं सारे डिस्ट्रिक्ट के, उनको हमने नोडल ऑफिसर बना के रखा हुआ है इस सप्लाई चेन के लिए, चाहे वो प्राइवेट सप्लाई चेन है, चाहे वो PDS का रिव्यू है, चाहे वो मिड डे मील है, उन सब के लिए आपके BDOs आपके नोडल ऑफिसर हैं, इनसे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के कई जिलों में लॉकडाउन का अच्छे से पालन किया जा रहा है, लेकिन कई जगह लोग लॉकडाउन का पालन भी नहीं कर रहे। ऐसी तस्वीर नजर आई त्राल में, जहां पुलिस को लोगों को हटाने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। दरअसल यहां कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे थे, जिसके बाद पुलिस को इस तरह के कदम उठाने पड़े। वो आके हमें कोऑपरेट करे। आपको पता है कोरोना ने क्या एक पेंडेमिक जो है आज पूरे अलग इसमें विश्व में कम से कम 12 लाख से ज़्यादा केसेस है, 70-80 लाख मर चुके हैं, तो कश्मीर में भी 150 क्रॉस हो गया है। तो फिलहाल तो हमारा जो इलाका है बच्चा है, हमने बड़ी मेहनत की, आपका इसमें योगदान भी है, फिर भी आपका ये योगदान चाहूँगा कि मेहरबानी करके आप लॉकडाउन का हर एक जो है रेगुलेशन है वो फॉलो करें, सोशल डिस्टेंसिंग का जो हमने बताया है वो फॉलो करें, मास्क पहन के रखें, सैनिटाइजर यूज़ करें, सोप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश भर से अपने घरों के लिए निकले मजदूर अब अपने घर पहुंचने लगे हैं और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के अंदर काम करने वाले 13 लोग जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ पहुंचे। इन व्यक्तियों को मेडिकल चेकअप के बाद उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। मजदूरों ने कहा कि हिमाचल में अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं, पुंछ प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए। हम आए थे 25 तारीख को नाइट को आया हूँ लखनपुर तक। लखनपुर उन्होंने जो हमारी गाड़ी थी वो वापस कर दी और लखनपुर में हमें अंदर कर दिया। वहाँ ठंडी विजयपुर ठंडी फूल में क्वारंटाइन में रखा हमें 14 दिन, और कल हमारे 14 दिन बराबर हुए तो फिर उन्होंने बस करके हमें दे दिया। आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर के लाल बाजार और उसके आसपास के इलाकों को सैनिटाइज किया गया है। दरअसल लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद लाल बाजार को रेड जोन घोषित किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है, लिहाजा हर वो जरूरी कदम जो कोरोना को रोकने के लिए सहायक होंगे वो उठाए जा रहे हैं। वहीं इसके अलावा कई अस्पतालों में सफाई भी कराई जा रही है,
ताकि कोरोना पर जीत पाई जा सके। जम्मू कश्मीर में प्रशासन कोरोना को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और इसी को लेकर श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर ने कोरोना को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि श्रीनगर जिले को 25 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, इनमें उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जिनके पास यहाँ की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दवाइयों की कोई कमी नहीं, कोरोना के हर मामले पर सतर्कता बरती जा रही है। जो डाइवर्सिफिकेशन है वो शायद हमारे सिस्टम के बियॉन्ड चला गया है। आपके पास कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, जैसे मैंने बात की कि वन केस पॉजिटिव एंड यू गेट 100 to 150 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स, फिर उन लोगों को फ़ोन करना, रिसीव करना, आउटरीच करना, उसके बाद राशन का इशू कंसर्न कोई है, स्टूडेंट्स का है या बहुत सारे हैं, तो देर आर मल्टीपल हेल्पलाइंस। तो इसलिए हमने पिछले 20 डेज में वॉर फुटिंग पे अपना एक कॉल सेंटर यहाँ पे तैयार किया है जो 24/7 रहेगा। कल से उसको हम लाइव कर रहे हैं, उसमें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके पास रहेगी। जो भी आपका कंसर्न ग्रीवांस है वो कॉल सेंटर में अपने बीपीओ में जाएगा। देन वी हैव डिफरेंट कंट्रोल रूम्स एट जोनल लेवल, कंसर्न तहसीलदार और एसएचओस ने मिलकर वो एस्टेब्लिश किए हैं। तो मेहरबानी करके ये मैसेज आपके थ्रू जाना चाहिए, जो जहां है वो वहीं पे रहे, वहां के सिस्टम को इस वक्त हेल्प करें ताकि हम लोग मिलके इस पूरी प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन निकाल पाएं। पुलिस ने अपनी पुलिसिंग के अलावा इस बार ये कोशिश की कि हम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस तकरीबन 5,000 के करीब हमारे ऑफिसर्स और जवान हैं, हम लोगों ने पर्सनल कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी की आउटरीच के लिए ये शुरू किया कि दो हेल्पलाइंस हम लोगों ने निकाली। एक निकाली कि जो डिस्ट्रेस में हैं, जिनको राशन पानी नहीं है, तो उस पे हमने सर्वाइवल किट्स वाला बताया कि आप इन नंबरात पे कॉल करें और हम आपके डोर स्टेप पे कम से कम एक महीने का राशन, पूरा सर्वाइवल किट है ये, इसमें हमारे DSP हेडक्वार्टर नोडल ऑफिसर हैं, वो हम आपके घर पे डिलीवर करेंगे, आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सुरक्षा बलों ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद बारामूला के चंद्रूसा इलाके के शिमलारन नाला के आसपास बुधवार रात घेराबंदी करके तलाशी अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के दौरान बशीर अहमद बेग नाम का जैश ए मोहम्मद का आतंकी एक AK-47 राइफल और कुछ कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है। कल रात को हमें इंफॉर्मेशन मिली थी शिमलरन एरिया, जो चंदूसा पुलिस स्टेशन का एरिया पे, वहाँ पे एक जो हाल ही में मिलिटेंट की सफों में दाखिल हो गया था बशीर अहमद बेग, उसकी इंफॉर्मेशन मिली। तो इंफॉर्मेशन मिलते ही रात को ही हमने उस एरिया को और उसके मुल्क के कुछ गाँवों को कॉर्डन किया, जिसमें हमारे साथ 52 RRT 161 TA और CRPF 176 जॉइंट टीम ने कॉर्डिंग किया। कॉर्डिंग के दौरान जो हमें टारगेट हाउस मिला था, वहाँ पर जब सर्च वहाँ पे शुरू की, तो वहाँ हमें जो मेन हाउस था उसमें नहीं मिला कोई बंदा। तो इंसिडेंटली हमने अपनी सर्च का दायरा वसी करा, तो उसी दौरान अंदर में एक शख्स भागने की कोशिश कर रहा था, जिसको हमने चेज किया तो पकड़ा गया। और अब